दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे आरपीबी ग्रुप टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए हम एक नया ट्रिक लेके आए हैं, जिसमें हम आपके लिए बताएंगे यदि आप किसी भी फोल्डर को अलग करते हैं और उसकी फिल्म जो होती है, एक लेयर जो होती है वो कट जाती है। उसे कटने के बाद में कुछ लोग समझते हैं हमारा डिस्प्ले जो वाइट हो चुका है, वो आपका रियलिटी में वाइट है या उसमें फिल्म की कमी है, वो आपको हम समझाते हैं और आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले जो अपना मोबाइल फ़ोन जो है ऑन करना है डिस्प्ले लगाने के बाद में, और टच रिमूव करने के बाद फिल्म कटी है या फोल्डर वाइट है वो आपको समझना है। देखिए दोस्तों, मैंने फ़ोन के अंदर जो बैटरी लगा के अपना मोबाइल जो ऑन कर दिया है। देखिए इसमें जो वाइट जो आ रहा है, ये हमारा फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल वाइट नहीं है, और मैं आपको इसका पूरा प्रूफ करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। इसमें जो दिक्कत है, इसकी जो फिल्म जो है वो इसमें नहीं है, वो किसी ने जो काट दी है। मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ। इसमें आपके पास में एक ब्लैक चश्मा होना चाहिए, आप चश्मा लगा के देख सकते हैं। यदि आपके पास में चश्मा नहीं है तो किसी भी फ़ोन का कोई भी गिलास ले सकते हैं जिस पर आपका फिल्म जो है चिपक रहा हो। देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये सैमसंग का एक गिलास है जिसपे आपको थोड़ा सा ये काला काला दिख रहा है, हमारे पास में जो इसमें फिल्म जो लगा हुआ है। अब आपको इस गिलास को जो है इसके ऊपर रखना है और देखना है हमारा डिस्प्ले रियलिटी में वाइट है या नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस गिलास को इसके ऊपर रखते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें हमारा जो पूरा ग्राफिक जो दिखाई दे रहा है, हमारा जो इसमें जो दिक्कत है सिर्फ एक फिल्म की दिक्कत है, जो इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर होती है वो इसमें लगी हुई नहीं है, इस वजह से आपको जो है ये वाइट दिख रही है। आप इसमें फिल्म लगा के अपने फोल्डर को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है ना इसमें डिस्प्ले पे जो है आपकी लाइनिंग जो है पूरा ग्राफिक जो आ रहा है। आपको इसमें जो एक फिल्म लगानी है और आपका मोबाइल जो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।